तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप GTA 5 ऑनलाइन गेम खेलते हैं और वैसे में आपको कोई भी बाइक या फिर कोई भी गाड़ी या फिर आपने कोई भी एयरक्राफ्ट परचेज किया और आप उसको मंगाना चाहते हैं, यानी कि किसी भी आप लोकेशन पे हैं और वहाँ पर आप उसको बुलाना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं इस गाड़ी को, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ और इस वीडियो में आपको मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर बाइक है या फिर आपने कोई ऐसा मतलब तोप वाला गाड़ी खरीदा और या फिर आपने कोई कोसाट का खरीदा तो वो आप कैसे मंगाओगे। हर एक टाइप के जितने भी अलग अलग टाइप के व्हीकल्स होते हैं GTA में, आपको मैं हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसे मंगा सकते हैं एंड आप उसको कितने तरीके से मंगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपका ऑल इन वन वीडियो होने वाला है, तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो और भी ऐसे GTA के अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अभी आपको सबसे पहले तो अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करना है GTA के अंदर, एंड इसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से W बटन प्रेस करना है, जो एरो वाला रहता है ASWD, इसमें से आपको ऐसे प्रेस करना है W को। और तो आपको यहाँ पर यह कॉन्टैक्ट दिख रहा है, इसमें आपको आ जाना है। ये जो कॉन्टैक्ट है इसमें आपको आना है। यहाँ पर आपको अलग अलग नंबर्स मिल जाएंगे, तो आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैकेनिक। अब ये जो मैकेनिक है इसी को आपको कॉल करना है। अभी मैं इसको कॉल करता हूँ। अब इसमें भी कुछ अलग अलग केस रहता है, जैसे कि मैकेनिक जो है डेली आपसे 50 रुपये पैसा लेता है इसका, और 50 रुपये आप जैसे गेम ओपन करोगे कट जाएगा। और अगर आपके पास 50 रुपये भी पैसे नहीं हैं तो फिर यार मैकेनिक काम नहीं करता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं फिर से कॉल करता हूँ, अभी कुछ बोला शायद इसने। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैकेनिक ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, जो ऑप्शन वगैरह आना चाहिए था वो नहीं आया। ये इसीलिए होता है कि आपके पास पैसे नहीं होते कैश में। अभी देखो ये मैं जेड बटन प्रेस किया और सारे पैसे बैंक अकाउंट में है, कैश तो है ही नहीं। तो चलो मैं इसको डिपॉजिट करके मतलब बैंक से इसको निकाल के अभी कैश में रख लेता हूँ। और ये भी ध्यान में रखना है कि आप सही लोकेशन में रहो जब भी मैकेनिक को कॉल करना है। ये भी आपको देखना है कि भाई आप खेत पहाड़ में तो नहीं हो, आपको एक प्रॉपर रोड चाहिए होगा, वहीं पर मैकेनिक ला के छोड़ता है गाड़ी को। तो अभी मैं पैसे वहाँ पर सिंपल से अभी मैं लेके आ जाता हूँ कैश में, एंड उसके बाद मैं वापस से कॉल करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं 10,000 रुपये डिपॉजिट कर लिया हूँ, और अभी मैं फिर से कॉल करता हूँ इस मैकेनिक को। और ये यार मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता यार अपने मालिक की। चलो मैं फिर से कॉल किया और आप देखते हैं अभी ये देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया। तो पैसा भाई होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा नहीं है आप इधर मतलब मैकेनिक को कॉल किए जा रहे हो। उसके बाद आपको सिंपली एंटर करना है, फिर यहाँ पर जितने भी आपके पास पर्सनल व्हीकल्स हैं, यानी कि आपके खुद के कार है, बाइक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास कोई टैंक है तो वो यहाँ पर आएगा, ऐसा नहीं है। जो जो चीज़ मतलब मैकेनिक रखता है वही वही लेके आएगा, जो आपके पास गैरेज में रहता है वो चीज़। तो आपके पास कोई बाइक व कार होना चाहिए अगर आप खरीद रखे हो तो। तो अभी यहाँ पर मैं सिंपली ये जो गाड़ी है ये शायद वो वाला व्हीकल है जिसमें गोली वगैरह नहीं पड़ता, तो इसको मैं सिंपली अभी मैं लाता हूँ, आर्मर्ड कार है। तो अभी मैंने एंटर किया और कुछ पैसा लगेगा, वहाँ पर चार्ज रहता है। एंड थोड़ी देर में देखना यहाँ पर, ये देखो सामने में एक आ गया, मैप में भी एक छोटा सा लोकेशन है एंड यहाँ पर यार शायद ऊपर में है। चलो अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर में आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पर आया है। ये देखो गाड़ी का लोकेशन, और बहुत जल्दी आ जाता है आपके आसपास में ही देगा। ये देखो गाड़ी आ गया। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने मैकेनिक से ये कार मंगाया। अभी आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ मैकेनिक से ही काम करवाने का, ठीक है। इसके लिए आपको सिंपल इंट्रैक्शन मेन्यू ओपन करना है, M बटन प्रेस करना है, एंड यहाँ पर आपको सिंपली मिल जाएगा व्हीकल्स। और उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जितने भी व्हीकल हैं वो पर्सनल होना चाहिए, यानी कि आपके गैरेज में होना चाहिए। आपके पास कोई अगर एयरक्राफ्ट है, जैसे कि मतलब समझ लो फाइटर जेट या फिर कुछ अलग अलग टाइप के उड़ने वाले चीज़, तो वो अगर आपके पास है तो आपके पर्सनल जो एयरफील्ड होता है जिसे हैंगर बोलते हैं, तो उसमें होना चाहिए। मतलब उसी के अंदर आप उसे रखो, तभी जाके आप उसको पर्सनली इनवाइट कर पाओगे, मतलब पर्सनली यहां पर रिक्वेस्ट कर पाओगे। तो देखो रिक्वेस्ट पर्सनल एयरक्राफ्ट यहां पर अलग अलग आ रहे हैं, एंड यहाँ पर रिक्वेस्ट स्पेशल व्हीकल्स भी हैं, मतलब कि अगर आपने कोई ऐसा व्हीकल खरीदा है जो एकदम स्पेशल है तो आप यहाँ से उसे इनवाइट कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप मैकेनिक से भी कुछ मंगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से मंगा पाएंगे, लेकिन वो स्पेशल कार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सिंपल सा सस्ता बाइक है और आप यहाँ से मंगा रहे हो तो यहाँ से वो नहीं आएगा। तो ये तो हो गया बाइक कार का। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने कोई जैसे समझ लो कि हाइड्रा खरीदा या फिर लजेयर खरीदा, जो कि यार बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत हाई प्राइस के हैं और ख़तरनाक, तो पूछो मत, पूरा तबाही मचा देते हैं, तो उसको को कैसे लाना है। तो उसके लिए आपको सिंपली ऐसे करके सिंपली अभी वापस से ये ओपन करना है मोबाइल को, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर पेगासस का जो कॉल का नंबर मिलेगा इसमें आपको सिंपली आ जाना है और इसको कॉल करना है। तो जैसे यहाँ पर पेगासस को आप कॉल करोगे, ऊपर में ऑप्शन आ जाएगा हेलीकॉप्टर और प्लेन, बोट, मॉन्स्टर ट्रक, सबमरीन, तो जितने भी अलग अलग टाइप के विभाग होते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। तो आपको हेलीकॉप्टर मंगाना है तो इसमें जाना है, और जो हेलीकॉप्टर मेरे पास है वो अभी आ जाएगा शायद मैं एंटर करूँगा तो। और ऐसा है कि पास में नहीं आता, जहाँ पर हेलीकॉप्टर का जो रहता है ना हेलीपैड, वहीं पर आएगा। देखो वहाँ पर आ गया, बहुत दूर में आ गया। कुछ
हेलीकॉप्टर ऐसे होते हैं जो एकदम पास में आएंगे। वो हेलीकॉप्टर की फीचर है, ऐसा नहीं है कि जो पेगासस है वो एकदम आपको दूर में दे रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब आपको पास में उसी हिसाब से देता है जिस हिसाब से आपका हेलीकॉप्टर है। मैं फिर से कॉल करता हूँ इसको और आपको मैं एक और ला के दिखाता हूँ कहाँ गया। और यहाँ पर देखो, प्लेन अगर आपके पास है तो प्लेन भी आप मंगा सकते हो, बोट है तो बोट भी मंगा सकते हो, मॉन्स्टर ट्रक भी मंगा सकते हो, सबमरीन है तो वो भी आप मंगा सकते हो। एंड इसके बाद आपके पास अगर कोई कोसाटका है तो कोसाटका कैसे लाना है, आपको एम बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सर्विसेस में आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोसाटका, कोसाटका के अंदर जाओ, रिक्वेस्ट करो कोसाटका को, मतलब कोसाटका आ जाएगा। और यहाँ पर कोसाटका के अंदर जैसे कुछ कुछ अलग अलग समझ लो फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे कि स्पैरो, स्पैरो एक हेलीकॉप्टर जैसा है और हेलीकॉप्टर ही है। और इसको अगर मैं मंगाना चाहता हूँ, देखो तुरंत आ गया, तुरंत, और ये कहीं पर भी आ जाता है तो ये बहुत महंगा है, इसी वजह से आ जाता है। तो आप अगर कुछ सर्विस के अंदर ऐसे कुछ लेना चाह रहे हैं, जैसे कोसाटका हो गया, और भी अलग अलग सर्विस है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये कोसाटका है, एवेंजर आपने ख़रीदा, जो कि यार बहुत महंगे महंगे चीज़ होते हैं, टेराबाइट, ये ऑपरेशन को रखने के लिए शायद रहता है। और भी यहाँ पर ये मोबाइल ऑपरेशंस सेंटर है और यहाँ पर एसिड लैब है। तो ये सब अगर आप सर्विस खरीदते हो तो इसके अंदर अलग फैसिलिटी होते हैं। और इसके अंदर के जैसे मैंने भी कोसाटका के अंदर ये चीज़ मंगाया तो ये कोसाटका के साइड से ही आता है, ऐसा नहीं है कि इसको आप अलग से खरीदोगे, अलग से रखोगे। और अभी आपको मैं फाइटर एयरक्राफ्ट लजेयर और हाइड्रा को ला के दिखाता हूँ, और वो दोनों के दोनों शायद उसके पास है, मतलब कि पेगासस के पास है, लेकिन मैं पेगासस को कॉल करके नहीं लाने वाला क्योंकि उसको मैंने अपने एयरफील्ड में रखा हुआ है, मतलब कि पर्सनल हो चुका है। तो पर्सनल को मैं यहाँ से इन्वाइट कर सकता हूँ, देखो यहाँ से इसको मैं सिंपली ये व्हीकल में गया और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया ये एयरक्राफ्ट। और ये शायद ये देखो ये भी है, जो कि यार अभी मतलब इसको मुझे डिस्ट्रॉय हो चुका है तो इसको वापस इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई अपना पर्सनल एयरक्राफ्ट लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। और जो पर्सनल चीज़ें होते हैं वो काफ़ी पास मिलती है, लेकिन जो कॉल करके आप मंगाते हो अलग से पेगासस से तो वो थोड़ा दूर में देगा। लेकिन ऐसा भी है कि अगर हेलीकॉप्टर अगर अच्छा है तो फिर पास में दे देता है। तो अभी आपको मैं सिंपली इसको कॉल करता हूँ और अभी मैं इन अभी लेके आ जाता हूँ यार एयरक्राफ्ट को। और ये कॉल उठा लिया, प्लेन में गए। एंड यहाँ पर देखो लजेयर भी है, हाइड्रा भी है, शायद ये काफ़ी दूर में दे दिया, ये देखो ये बहुत दूर में दे दिए, यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया, जबकि पर्सनल रहता ना तो यहाँ पर आता, पर्सनल है बट अभी क्या है डिस्ट्रॉय हो चुका है तो इस वजह से हम उसको डायरेक्ट नहीं ला सकते, उसको पहले रिफंड करना पड़ेगा, मतलब कि उसका इंश्योरेंस वगैरह कराना पड़ेगा, फिर जाके हम उसको ला सकते हैं। तो जितने भी तरीके थे, जितने भी अलग अलग टाइप के गाड़ियाँ थे GTA में, हेलीकॉप्टर था, प्लेन था, जहाज़ था, जो भी था, वो आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको पता चल गया कैसे कैसे इन्वाइट करना है, कैसे कैसे गाड़ियों को लाना है, तो वीडियो को लाइक करो और भी ऐसे GTA के अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।